डी स्टूडेंट्स जो केस स्टडी अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ये केस स्टडी बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन की एयरलाइन है उस केस स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि इस आर्गनाइजेशन में इस आर्गनाइजेशन ने स्मार्ट बेल्ट का एक फीचर ऐड किया अपने पैसेंजर के लिए उसकी वजह से आर्गनाइजेशन के अंदर जो उसके एम्प्लॉज़ थे कस्टमर थे उनकी हेल्थ के ऊपर या उनकी ट्रेवलिंग के ऊपर या उनकी कम्फर्टेबलनेस के ऊपर या उनकी सटिसफैक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और कितनी वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है बेसिकली मोड जोल स्मार्ट बेल्ट के स्टडी का नेम है मोडजोल ऑर्गेनाइजेशन नेम है मोड जोल हैजिन वर्किंग विद द मेजर यूनाइटेड स्टेट्स एयरलाइन विद इट्स हेड क्वार्टर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में इसका क्वार्टर है और ये बेसिकली मोडजोल ऑर्गेनाइजेशन नेम है इनका जो मेन काम है ये स्मार्ट बेल्ट में डील कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस के साथ ये काम कर रहे हैं The airline, along with its subsidiaries and regional affiliates, operate over 5,400 flights daily and serves an extensive domestic and international network that includes 304 destinations. These organizations were dealing on 304 destinations. In 52 countries, 52 on six continents, Asia, Africa, Europe, North America, South America, Latin America. या साउथ अफ्रीका अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि छः बड़ा आज़म फिफ्टी टू कंट्रीज और इसके अलावा तीन सौ चार डेस्टिनेशन और पाँच हजार चार सौ फ्लाइट्स ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की लेवल ऑफ सेटिसफेक्शन क्या है इसमें एम्प्लॉइज कितने हैं डेफिनेटली ये कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वह डील कर रही है और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्योर टिपिकल हेल्थ सेफ्टी ऑक्यूपेशन के हवाले से है इसके अलावा एज मोडोल्स फर्स्ट कस्टमर दे हैव हैवूज द मोडोल स्मार्ट बेल्ट फॉर मोर देन एटीन मंथ मोर देन एटीन मंथ अठारह महीने से ज़्यादा उनके जो पहले कस्टमर थे उन्होंने इसको मोड स्मार्ट बेल्ट को यूज़ किया अब वो आगे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि इसकी वजह से हुआ क्या क्या बेहतरी आई या बेहतरी में कमी आई या उसमें मजदीद इजाफा हुआ या आर्गेइजेशन प्रॉफिट में इजाफा हुआ या आर्गेनाइजेशन की बेहतरी की तरफ ये चीज़ लेके गई किस तरफ यह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करके गई एज a रिजल्ट ऑफ यूजिंग द module स्मार्ट belts, एज a रिजल्ट ऑफ यूजिंग द module स्मार्ट बेल्ट मॉड्यूल का स्मार्ट बेल्ट यूज करने की वजह से जो उसका नतीजा निकला वो क्या निकला द एयर लाइन हैज सीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्राम टू थाउजेंड एटीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन आर्गनाइजेशन विटनेस है इस चीज़ की कि दो हज़ार अठारह से दो हज़ार उन्नीस तक बेहतरी आई कस्टमर सेटिसफेक्शन में बेहतरी आई इम्प्लॉइज़ के हवाले से बेहतरी आई और जो आर्गनाइजेशन के हवाले से बेहतरी आई उनकी प्रॉफिट में बेहतरी आई आपको मालूम है कि जब कस्टमर सेट्सफैक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली इंप्लाई सैट्सफेक्शन को जी जन्म देता है और तो जब इम्प्लॉज सैट्सफैक्शन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है इंटेंशन टू लीव में कमी आती है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है ये चीज़ें स्टडीज से साबित हैं ऑन एवरेज द मटीरियल इंस्पेक्टर ग्रुप 60 टाइम पर डे इन टू थाउजेंड एटीन विद फिफ्टीन ऑफ दोज बेंड्स अकरिंग एट एंगल्स ग्रेटर दैन सिक्सटी सो फार इन टू थाउजेंड नाइनटीन द एवरेज बेंड काउंट फॉर द मटीरियल इंस्पेक्टर इज 44 फोर टाइम पर डे विद एट ऑफ दीज बैंड अकरिंग एट द एंगल्स ग्रेटर दैन सिक्सटी दिस इजशन इन बैंड ऑफ नियरली ट्वेंटी एंडक्शन इन बैंड ग्रेटर दैन सिक्सटी या फोर्टी फाइव परसेंट ये फिगर स्टूडेंट्स टेक्निकल नेचर के हैं लेकिन नो प्रॉब्लम हम इसको जनरल वे में डिस्क्राइब करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मोट स्मार्ट बेल्ट के नाम से जो काम कर रही थी ये बेसिकली अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही थी बेसिकली एक स्ट्रेटजी मार्केटिंग होती है पिगी बैक्स स्ट्रेटजी ये ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो कर रही थी पिकी बैग स्ट्रैटी क्या होती है कि एक वेल इस्टैब्लिश ब्रांड के साथ एक नई आने वाली ऑर्गेनाइजेशन अटैच हो जाती है और वेल इस्टेब्लिश ब्रांड को तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो नई आने वाली ऑर्गेनाइजेशन उसका सहारा लेके अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती है मैं इसकी एग्जाम्पल यूँ दूंगा के एफ़ सी मैकडोनल्ड वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है लोग वहाँ जाते हैं खाते हैं पीते हैं इसके अलावा बैठते हैं वहाँ पर इन्जॉय करते हैं अगर के अपने वो जो बर्गर वाला पैक है अगर होम डिलीवरी दे रहा है उसके साथ कोई नई ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोडक्ट अटैच करके कस्टमर को फ्री ऑफ कास्ट दे दे फॉर वन मंथ अगर प्रोडक्ट में जान है क्वालिटी है बेटर इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर और प्राइस भी उसकी नॉर्मल है वो कस्टमर उसको यूज़ करे प्रोडक्ट को के एफ़ सी की प्रोडक्ट के अलावा उस प्रोडक्ट को यूज़ करे और बाद में उसकी डिमांड करे तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट्स को नियर स्टोर पर अवेलेबल कर दे इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो सकती है नई आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पिगी बैग स्ट्रैटजी तो यहाँ पर ये केस स्टडी है ये लिटिल बेड अबाउट पिगी बैग स्ट्रैटजी के मुतलक़ा है लेकिन इस सारे कन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप लोग कस्टमर की हेल्थ एंड सेफ्टी पर फोकस करें कस्टमर के मामला को डील करें कस्टमर की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हैं यूनिक छोटी छोड़ छोटी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करें तो आपका सेल वॉल्यूम प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी ये तमाम चीज़ें इनहांस हो सकती हैं